जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ गई। दिल्ली की सड़कों पर लॉकडाउन और G20 का हुआ आगाज। जानिए आज के G20 समिट में क्या क्या है खास। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा उन प्रमुख नेताओं में से हैं जो G20 समिट में भाग लेने भारत पहुंच चुके हैं। भारत की ओर से G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, इसलिए इस शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर ही वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर सत्र हो रहे हैं। तो आइए आप भी जान लीजिए कि शनिवार रविवार यानी कि 9 से 10 सितंबर को इस शिखर सम्मेलन का शेड्यूल क्या है। आज 9:30 बजे भारत मंडपम पर वैश्विक नेताओं के आगमन के साथ ही सम्मेलन की शुरुआत हो गई है, जहां पीएम मोदी ने विभिन्न देशों के राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत किया। करीब 10:30 बजे G20 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र वन अर्थ हुआ। 1:30 पर दोपहर के भोजन के बाद द्विपक्षीय बैठकें भी शुरू हुई। दोपहर 3:00 बजे वन अर्थ सत्र के समापन के बाद वन फैमिली का एक और सत्र आयोजित किया जाएगा। शाम करीब 7:00 बजे से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर का आयोजन होगा। 8:00 बजे तक ग्रुप फोटो ली जाएगी। 8 से 9 बजे तक डिनर पर बातचीत होगी। वहीं समिट के एजेंडे की बात करें तो भारत इस बैठक में समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार, जलवायु वित्त पोषण और समान वैश्विक स्वास्थ्य तक पहुँच जैसे विभिन्न मुद्दों पर सभी देशों का ध्यान केंद्रित करेगा। G20 समिट की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है कि इस कार्यक्रम से वैश्विक विकास, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और वैश्विक शांति को गति मिलेगी। साथ ही सभी देशों को मिलकर विकास के पथ पर चलने की भी बात कही जाएगी।